जय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थिक पटेटो नूडल्स का रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पटेटो को आपको बॉईल करना है। आप छिलके के साथ भी बॉईल कर सकती हो या छिलका निकाल के भी आप बॉईल कर सकते हो। मैंने बॉईल करके इसका छिलका निकाल लिया है। अभी ना हमें पटेटो का स्मूथ पल चाहिए, तो इसलिए अभी मैं छन्नी ले रही हूँ। और छन्नी में ये जो प्रोसेस है आपको ज़रूर करना है गाइस। ये करने से क्या होगा, आपका जो नूडल्स है बहुत ही बढ़िया बनेगा, क्योंकि स्मूथ पल्प चाहिए हमें। और इस प्रोसेस में आप करोगे तो स्मूथ पल्प आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको करना है सभी जो पटेटो है। इसे मैं इस प्रोसेस में इसका जो पल्प है वो निकालूंगी। तो आपने देखा पल्प निकालने का जो तरीका है बहुत ही इजी है, इसे ट्राई कर सकती हूँ। चलिए भी डो की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं नमक इसमें ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर दिया है। ऑर्गेनो आप ऐड कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। 1/4 टीस्पून मैंने ऑर्गेनो ऐड किया है। इसके साथ कॉर्नफ्लोर ऐड करके आपको एक डो तैयार करना है। आपको लगे कि हाथों में चिपक रहा है, आप इसमें और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हो और ग्रीस कर सकते हो हाथों में ऑयल। मैंने हाथों में ऑयल ग्रीस कर दिया है और इसके बाद डो तैयार कर लिया है। चलिए भी नूडल्स की तैयारी कर लेते हैं। नूडल्स बनाने के लिए स्प्रिंकल करूंगी कॉर्नफ्लोर और इसके बाद आपको नूडल्स बना लेना है। कैसे आपको करना है चलिए देख लेते हैं। तो गाइस आपने देखा कैसे मैंने नूडल्स तैयार किया है। चलिए अभी इसे बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए पानी को आपको अच्छे से उबालना है। इसके बाद नूडल्स डीप करना है। डीप करने के बाद आपको 3 मिनट तक रखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पका लोगे तो ये टूट जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा पकाना नहीं है। 3 मिनट तक पका के फिर पानी स्ट्रेन कर लेना है। पानी स्ट्रेन करके यानी कि गर्म पानी आपको स्ट्रेन करके फिर ठंडा पानी में इसे डीप करना है। पर ये जो प्रोसेस है ज़्यादा वक्त नहीं करना है। ठंडा पानी में डिप करके फिर आपको पानी स्ट्रेन कर लेना है। इसके बाद मेन प्रोसेस में चलते हैं। मैंने ठंडा पानी स्ट्रेन कर लिया है। अभी ना सॉसेस ऐड करूँगी। पहले तो मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, इसके साथ गार्लिक कद्दूकस करता हुआ गार्लिक मैं ऐड कर रही हूँ और इसके साथ धनिये के पत्ते ऐड करूँगी। ड्राई रोस्ट करता हुआ तिल आपको ऐड करना है। और गाइस हमारे यहाँ ना ब्लैक विनीगर नहीं मिलता है, आप चाहे तो ब्लैक विनीगर आप ऐड कर सकते हो और इसके साथ वेस्टर्न सॉस आप ऐड कर सकते हो। कितना तीखा पसंद करते हो, इस हिसाब से आपको रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स ऐड करना है। चिली फ्लेक्स मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी, रेड चिली पाउडर स्किप करूँगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और ग्रीन चिली तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। अभी सोया सॉस, डार्क सोया सॉस और लाइट सोया सॉस मैं ऐड कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून करके मैं ऐड करूँगी और इसके साथ अभी खोलता हुआ ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ। ऑयल को आपको गरम कर लेना है, यानी कि खोलता हुआ ऑयल आपको ऐड करना है। ये रिफाइंड ऑयल है जो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल वेल के साथ भी ये प्रोसेस कर सकती हो। इसके बाद आपको सर्व करना है। बहुत ही इजी के साथ साथ टेस्टी रेसिपी है गाइस, आप ट्राई करके देखना। अगर मेरा नूडल्स का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।